नमस्ते दोस्तों, जगदम्बानंदन शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जिस रेसिपी के साथ उपस्थित हूँ आपके सामने, जो मैं अपने किचन में अभी अभी बनाने जा रही हूँ, वो है नेनुआ और चने दाल की सब्जी। और इसके लिए आइए हम देखते हैं क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो नेनुआ, जिसको तरोई भी कहते हैं, जिसको हमें इस तरह करके इसका छिलका हटा लेना है। छिलनी से इसे बहुत ज़्यादा ना छिले, नहीं तो इसका अंदर का गूदा भी बहुत आ जाता है, बहुत अच्छे से वो नहीं छिला पाता है। इसे ऐसे ही छिलें, इस चक्कू से ऐसे, या जैसे आपको सुविधा हो। इसके अलावा मैंने लिया है 3 छोटे टमाटर, मीडियम साइज के हों तो आप 2 ले सकते हैं, 2 प्याज, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, तड़के के लिए जीरा, 1 खड़ी लाल मिर्च और हींग, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सा अमचूर पाउडर। अब आइए देखते हैं। एक कटोरी चने की दाल मैंने ले रखी है, जो भिगो दिए हैं, और ये 3 घंटे से हम भिगो के रखे हुए हैं। उसके बाद आप चने की दाल की मात्रा अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। आधा किलो में 2 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून या 1 कटोरी, आप जितना अपने पसंद के अनुसार दाल पसंद करें उसके अनुसार डालें। हमें चूंकि थोड़ा अधिक दाल पसंद है चने की इसमें, इसलिए मैंने 1 कटोरी ले रखी है। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। टीस्पून जीरा डाल देंगे। खड़ी लाल मिर्च को 2 भाग में तोड़ के डाल देंगे और 1 पिंच हींग डाल देंगे और इस तड़के को हम चटका लेंगे। हमारा फोरन हो गया है, तड़का तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज, जो हम 2 मीडियम और 1 छोटी प्याज को काटे हैं। आप देख सकते हैं एक ये इतने बड़े कटोरी से थोड़ा सा कम था पूरे भरे हुए में। जब तक प्याज भून रहा है तब तक हम सब्जियों को काट लेते हैं। सारी सब्जियों को हम काट लेंगे। प्याज हल्का ब्राउन फ्राई हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे भून लेंगे। सब्जियां भी अब कट गई हैं।
दो मिनट भूनने के बाद हम इसमें कटे हुए टमाटर को डाल देंगे और इसे भी भुनेंगे। जब तक टमाटर भून गया तब तक हम बचे हुए नेनुओं को भी काट लेते हैं। टमाटर हो गया है, हम इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिए हैं वो मार्केट का है, घर पे इसे आप 5-6 कली लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेके 1 चम्मच आप पेस्ट आराम से बना सकती हैं। ये हो गया, अब हम इसमें मसाले डालेंगे, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच के लगभग, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम ही डालेंगे क्योंकि नेनुआ है, मसाले बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। 1/2 चम्मच गरम मसाला, जितना टेस्ट आपको तीखा पसंद हो, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, एक चौथाई हल्दी, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी आप डाल के देख लें, अंदाजे से पता चल जाएगा आपको। इसे 2 मिनट तक भून लें अच्छे से। इसे तब तक भूने जब तक इसका मसाला कढ़ाई थोड़ा छोड़ने न लगे। मसाला भुन गया है, अब हम इसमें इस चम्मच से लिया हुआ 8 चम्मच चने की दाल जो भीग चुकी है पहले की डाल देंगे और इसे थोड़ी देर भूनेंगे। कुछ देर पकने के लिए इसे रख देंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे क्योंकि नेनुआ खुद पानी छोड़ता है, इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। हमें पानी इसलिए डालना पड़ रहा है क्योंकि मेरा चना बहुत अच्छे से फूला नहीं है। थोड़ा ये पक जाए फिर हम इसमें नेनुआ डाल देंगे। अब ये हो गया है, इसमें हम कटी हुई नेनुआ को डाल देंगे। और चला के ढक देंगे पकने के लिए। हमारी सब्जी अब होने को ही है, नेनुआ थोड़ा बनने में टाइम लेता है, इसमें पानी निकलता है बहुत। अगर ताज़ा नेनुआ हो तो सूखे हुए नेनुए को बन में पानी नहीं निकलता, बहुत अच्छा स्वाद भी नहीं होता। तो जब भी आप नेनुआ लें फ्रेश नेनुआ लें। और इसमें हम अब नमक डाल देंगे तो टेस्ट जितना आपके घर में सभी खाते हैं। तो इसे थोड़ी देर और ढक के रख देंगे
हमारी नीनू की सब्जी हो गई है। अब इसमें हम आधा टीस्पून से जरा सा कम, इसे क्वार्टर भी नहीं कह सकते, इतना हम अमचूर डाल देंगे और इसे चलाएंगे। आप आधा चम्मच भी अमचूर डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए डाला जाता है, क्योंकि इसमें चने का दाल है, अमचूर के साथ इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। इसे हम ढक के रख देते हैं कुछ मिनट के लिए। ये हमारी चने की दाल और नेनुए की सब्जी हो गई है, आप देख सकते हैं। और मेरी इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में पौष्टिक के साथ साथ बहुत स्वादिष्ट भी होती है। मेरा रेसिपी अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। इसके साथ ही मेरे इस चैनल के को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाल वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं इसके माध्यम से आप सभी को और अच्छे अच्छे डिशेज़ की रेसिपी बता सकूँ। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद।